मशहूर गीतकार और लेखक मनोज मुंशीर ने माँ के ऊपर क्या खूब लिखा है। मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आँखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज़्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये पंक्तियाँ मनोज मुंशीर ने आज मदर्स डे के मौके पर सोशल मीडिया के जरिए सभी के साथ शेयर की। साथ ही उन्होंने एक ऐसा मैसेज भी शेयर किया जो वाकई प्रशंसनीय और हृदय स्पर्शी है। सुनिए क्या कहा मनोज मुंशीर ने। पूरा दिन गुजर गया, मदर्स डे ख़त्म होने पे आ गया। मैं जानता हूँ आप सब अपनी माताओं से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं उनका, लेकिन सिर्फ मदर्स डे के दिन उनको याद करना और अगले दिन से उनको नज़रअंदाज कर देना, ये कहाँ तक सही है। जाने अनजाने ये गलती सबसे होती है, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है। तो चलिए पहले तो ये गलती मान लेते हैं कि अक्सर हमारा ध्यान अपनी माँ की ओर जाता नहीं है, जबकि उसकी नज़र सिर्फ हम पर होती है। इसलिए नहीं जाता कि लगता है बहुत टाइम है, आज थोड़ा दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, आज बहुत सारा काम कर लेते हैं, आज बिज़नेस ट्रिप्स कर लेते हैं, फिर कभी माँ के साथ बैठ जाएंगे, फिर किसी वीकेंड माँ के साथ वक्त गुजार लेंगे। और सोच के देखिए, आपको ये पता चलेगा कि गिनती के वीकेंड्स बचे हैं दोस्त। हो सकता है आपके पास बहुत वक्त हो, लेकिन क्या आपकी माँ के पास भी उतना ही वक्त है जितना आपके पास है? नहीं। इतने कम दिन बचे हैं, इतने कम वीकेंड्स, इतने कम हफ्ते बचे हैं कि आप उंगलियों पर गिनेंगे तो घबरा जाएंगे। बहुत मसरूफ हो तुम, जानता हूँ, घर दफ्तर कारोबार, और सबसे फुर्सत मिली तो दोस्त यार। जिंदगी पहियों पर भागती है, ठहर के ये सोचना मुश्किल है कि माँ आज भी तुम्हारे इंतजार में जागती है। सुनो, आज दो घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात, दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ मोहम्मद रफी के गाने, जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था, इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।